जैसे कि आप देख रहे हैं, एक 40 मिलीमीटर भुजा वाला षटभुज की रचना करना है आपको एक वृत्त के अंदर, या मान के चलिए बिना वृत्त के अंदर भी, तो एक 40 मिलीमीटर भुजा वाले षटभुज की रचना आप कैसे करेंगे, इसकी रचना हम आपको आज बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप प्रकार में क्या करेंगे, 40 मिलीमीटर की एक आर्क भर लीजिए प्रकार में। ये हमने 40 मिलीमीटर की आर्क भर ली है अपनी, और इसके द्वारा क्या बनाएंगे, एक सर्किल। एक 40 मिलीमीटर रेडियस का एक सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इसका सेंटर है ये, यहां पर ओ मान लेते हैं, और यहां पर एक व्यास वाली क्या करते हैं, रेखा खींचते हैं व्यास वाली। एक ये हमने मान के चलिए आपकी व्यास वाली रेखा खींचेंगे। ये व्यास वाली रेखा है, इसको हम नाम दे देते हैं यहां पर ए और यहां पर बी, ये इसको हमने नाम दे दिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसी आर्क को रखेंगे जिस आर्क से हमने ये वृत्त या सर्किल बनाया है। उसके बाद में क्या करेंगे, एक बार ए पर रखकर इस तरह से इस सर्किल को काट देंगे, और एक बार बी पर रखकर इस सर्किल को इस तरह से काट देंगे। अब इन आर्क को हम नाम दे देते हैं जहां जहां पर सर्किल को काटा है। यहां पर हमने नाम दे दिया बी, यहां पर नाम दे दिया सी, और यहां पर ई, और ये हो गया आपका एफ। अब सभी बिंदुओं को क्या करेंगे, एक दूसरे से स्केल की सहायता से मिला देंगे। जैसे ए को बी से मिला दिया, बी को सी से मिला देंगे, सी को बी से मिला दिया, और बी को ई से मिला दिया, और ई को एफ से मिला दिया, और ए से एफ को मिला दिया। ये आपकी, ये आपका एक 40 मिलीमीटर भुजा वाला षटभुज की रचना बनकर तैयार हो गई। तो इस तरीके से हम एक 40 मिलीमीटर भुजा वाले षटभुज की रचना करेंगे। आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।